રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવી રહેલા આઝાદી અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે સુરત શહેરમાંથી અધિકારીઓની દાંડી સુધીની સાયકલ યાત્રા નીકળી હતી. આ સાયકલ યાત્રામાં IRS DYSP સહિતના મહિલા અધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા. સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અને મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંછાનિધિ પાણીની ઉપસ્થિતિમાં 100 જેટલા સાયકલિસ્ટો વહેલી સવારે 5 વાગે સુરતથી દાંડી સુધી સાયકલ યાત્રા પણ નીકળ્યા હતા. આ યાત્રા દાંડી પહોંચતા શહેર પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે બાપુની પ્રતિમાને સુરતની આંટી પહેરાવી હતી. જ્યારે આ સાયકલ યાત્રામાં ઉપસ્થિત અધિકારીઓ દેશભક્તિના ગીતો પર ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. दांडी यात्रा जब महात्मा गांधी जी ने की थी तो इस यात्रा के मार्फत उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया था कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है और अंग्रेज़ों की सरकार को उखाड़ने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण एक घटना एक इवेंट था. सूरत शहर पुलिस के द्वारा आज जो साइकिल रैली का आयोजन किया गया है सूरत से दांडी तक, उसका उद्देश्य भी यही है कि आज़ादी बहुत कीमती है और आज़ादी को बनाए रखने के लिए, लोकशाही को और मुखर करने के लिए हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए. उसके साथ साथ दूसरा मैसेज ये भी था कि राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब हम सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, हम लोग फिज़िकल फिटनेस पर भी ध्यान दें तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा, मिलके काम करें तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा. इसी भावना के साथ आज की रैली की गई. मुझे बड़ी खुशी है कि इस रैली का शुभारंभ आज एक ऐसे सज्जन जिनकी उम्र 104 साल है, जिन्होंने दांडी मार्च में गांधी जी को वो मिले थे, उन्होंने गांधी जी को एक गिलास दूध भी पिलाया था, उन्होंने झंडी हिलाकर इस यात्रा को शुभारंभ किया. आज मैं मानता हूँ कि उस युग की जो भावना थी, राष्ट्र प्रेम की भावना, उसको हमें बनाए रखना है. यही एकमात्र उद्देश्य था आज की रैली का.